नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी जो आपके नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आई है, इसमें 2000 से ऊपर पोस्ट हैं। जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिंग करें, ताकि आपके सब जो भी क्वेरी हो उसे टीम द्वारा रिजॉल्व किया जाए। तो अभी देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में जो पोस्ट आई हैं उसमें से आपके भरने लायक, जो कंपटीशन करने लायक, वैसे तो दो दो तीन तीन पोस्ट हैं, लेकिन कुछ पोस्टें हैं जो बहुत अच्छी हैं और उसका जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है वो एज इट इज़ वही है जो आप लोग जिसके प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, तो चलिए इसे एक सरसराहट नज़र से हम लोग देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। एक्चुअली 21-22 की अभिव्यक्ति है, आप वेबसाइट पर जाओगे वहाँ भी मिलेगा आपके NVS के। इसमें जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ADMN है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, यहाँ पे पूरा पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है आपको। ठीक है, पूरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो ये वाली पोस्ट है ना, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और MTS, इसी की 6-6 1200 तो पोस्ट इसी की है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग वाले हैं, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, दो पोस्ट है, एक में कम है एक में ज़्यादा है। फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, ठीक है, और ये मेस हेल्पर आपके हैं। ये जो ऊपर के पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ये HQRO में होगा, मतलब हेडक्वार्टर में इनका पोस्टिंग होगा। और जो नीचे वाले पोस्ट हैं, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इनकी पोस्टिंग जो जवाहर नवोदय विद्यालय है जो हर जगह, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वैकेंसी की डिटेल दी गई है। जो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप है तो उसमें आपके टोटल जो पोस्ट हैं अगर देखा जाए तो 5 पोस्ट हैं। कितने हैं आपके, डिवाइड किए गए हैं URAWS में, तो ये देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है ग्रुप ए, पोस्ट कोड जो आपका यहां पर है, इसमें आपके UR के दो पोस्ट हैं, टोटल दो पोस्ट हैं, सिर्फ जनरल के ही पोस्ट हैं। फिर फीमेल स्टाफ नर्स की बात किया जाए, ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और यहां पर आपका टोटल जो पोस्ट देखा जाए तो 82 पोस्ट है। ठीक है, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी बता देंगे कि क्या है। सेक्शन ऑफिसर को देख लिया जाए तो यहां पर टोटल आपको 10 पोस्ट दिए गए हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए देखा जाए तो 11 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखा जाए तो 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर का देखा जाए तो टोटल 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर का देखा जाए तो 22 पोस्ट है। वैसे इस पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं स्टेनोग्राफर में, इसकी एलिजिबिलिटी को हम देख लेंगे अभी। कंप्यूटर ऑपरेटर का सिर्फ 4 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और कैटरिंग असिस्टेंट, इसके लिए अलग से आपका डिप्लोमा मांगता है, वो जिसके पास होगा वही भरेगा, तो अगर है तो आप जरूर भरिए, 87 पोस्ट है टोटल। यहां पे आते हैं जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, ठीक है, और एक और है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इन दोनों वाले जो पोस्ट है आपका, ठीक है, इन दोनों पोस्ट में, एक में आपका टोटल लास्ट पोस्ट है और दूसरे वाले में 622 पोस्ट है, और दोनों की एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं सेम है और दोनों के जो आपके एग्जाम पैटर्न है वो भी सेम है। ठीक है, तो एक की पोस्टिंग कहाँ होगी, HQRO में होगी, और एक की आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में। अब यहां पे आते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में, तो ये जो आप लोग 273 पोस्ट इसमें भी है, जो ऐसा डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर वाला वो आप भर सकते हो। लैब अटेंडेंट में आ जाते हैं तो इसमें 142 पोस्ट है। अब मेस हेल्पर की ज्यादा पोस्ट मैंने जैसे आपको बताया 629 पोस्ट आपके मेस हेल्पर की है। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 10 साल का मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद से मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके 23 पोस्ट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके हर पोस्ट के लिए क्या क्या जरूरी है। हाँ, पहला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, उसके लिए आप, एज लिमिट कहां है, 45 साल तक है। देखो पे देखो पहले, ठीक है, लेवल 12 का पे मिलेगा, 78,800 से 2,92,000 तक आपका सैलरी यहां पे उठाओगे। लेकिन इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए किसमें, ह्यूमैनिटी में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। साथ ही साथ पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, मतलब इसी के जैसा कोई पोस्ट लिया हो इसी प्रकार का जो इसी लेवल पे हो, और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल ऑफ 12, ठीक है,
या प्रिंसिपल के पोस्ट पे हो, इतने लेवल की सैलरी उठा रहा हो, ये सैलरी उठा रहा हो, तभी आपको जो है इसमें सेकेंड जॉब जरूरी है, मतलब वो कहीं ना कहीं कार्यरत हो और यही सेम लेवल का पेमेंट उठा रहा हो, या और क्या बोला है, या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और लेवल 10 की जो सैलरी आप अगर उठा रहे हैं जो पे मैट्रिक्स में है, या उससे ज्यादा किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे किसी गवर्नमेंट संस्था में जो भी हो, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस माने रखेगा और आप ठीक है, आपका जो अगर वर्किंग में है तो वो पेमेंट आपका कि कितना आप किस लेवल के पेमेंट के मैट्रिक्स पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका जो यहां बोला है एक्सपीरियंस वर्किंग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो आपको और अहर्ता चाहिए, ठीक है, अधिमानी अहर्ता जिसे हम बोलते हैं, प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी तो। उसके बाद से असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन है, इसको देखो ये 11 मैट्रिक्स पे है, पे मैट्रिक्स पे, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, सिर्फ ग्रेजुएशन, किसी भी स्पेसिफिक विषय के बारे में यहां बात नहीं किया गया है, ठीक है। वही बोल रहा है सेम चीज, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, मतलब इसी जैसा कोई पोस्ट आप होल्ड किए हो, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, रेगुलर होना चाहिए, और या 8 साल का आपका सर्विस हो, 7 लेवल 7 की मैट्रिक्स पर आपने काम किया हो, ठीक है, जो आपका पेमेंट हो 8 साल का, आप लेवल 7 पे मैट्रिक्स पर काम कर रहे हो तो वो भी चलेगा, और आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, अगर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह का काम कर रहे हो तब आप कंसीडर किए जाओगे। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देख लो, इसमें लेवल 7 का पेमेंट है, अच्छा खासा पेमेंट है इसमें भी, 35 साल जो है अपर एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, नर्सिंग में किसी भी ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से, साथ और या तो डिप्लोमा है या बीएससी नर्सिंग है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तभी भी आपका चलेगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो, जैसे वकीलों का बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ठीक है। वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी या रीजनल लैंग्वेज किसी में या इंग्लिश में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर लिया जाए तो लेवल 6 का है पेमेंट, 35,400 से 1,12,400 का है। यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन भी होना चाहिए, ठीक है, यहां पर चलेगा। बाकी प्रेफरेबल क्या होना चाहिए कि 3 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी में या स्टेट कि यहां कोई भी काम किए हो तो वहां पे आपको कंसीडर किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑडिट असिस्टेंट की बात किया जाए तो इसकी एज लिमिट 18 से 30 है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बीकॉम चाहिए, कोई और ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। और प्रिफेरेबल क्या है कि अगर आपने 3 साल तक किसी भी अकाउंट वर्क पर काम किया है किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में, तभी भी आपको एक प्रिफेयर दिया जाएगा जब आप सेम कहीं ना कहीं मार्क्स पे जाओगे तो, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के बारे में बात किया जाए तो ये 32 साल तक, नॉट एक्सीडिंग 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए एज। क्वालिफिकेशन देख लो, इसमें ढेर सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश की जरूरत है यहाँ पे, मास्टर डिग्री जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो आप जो है मास्टर डिग्री हिंदी में हो और इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, या कोई एक तरह से बोला जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तभी भी आप क्या हो जाओगे, कंसीडर किए जाओगे। मास्टर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में इन इंग्लिश में हो विथ हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब आपका इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो और हिंदी कोई आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हो, तभी भी आप कंसीडर किए जाओगे। या किसी कोई अदर सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री है और अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ ए हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम से हो तो, एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तभी आप कंसीडर किए जाओगे। मतलब अगर किसी अदर सब्जेक्ट से आपका क्या है मास्टर डिग्री है हिंदी मीडियम में, ठीक है, उस समय हिंदी और इंग्लिश नहीं है, और आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तभी भी आप कंसीडर किए जाओगे। ऐसे ही हिंदी के साथ है, तो ये जो आपकी अहर्ताएं देखी गई है नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर पर, इसके तो जो आपका है 35 साल तक अपर एज लिमिट है,
डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपका बीटेक सिविल में है तभी भी चलेगा, या थ्री डिग्री या डिप्लोमा अगर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हो सिविल में तभी भी चलेगा। ठीक है, यहां एक बात नोट करके लिखा गया, इसी के साथ लिखा गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ थ्री ईयर ऑफ द कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस या इस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 3 साल का किया है यह भी चाहिए। कितने साल का? 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, स्टेनोग्राफर का देख लिया जाए तो यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप 12th पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी है? 80 मांगता ही हर जगह। ठीक है, एंड टाइपिंग स्पीड जो शॉर्ट हैंड लिखोगे उसको टाइप करने का 40 वर्ड पर मिनट का है। इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका 12 के डीपीएच होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड का हो पर मिनट हो, और टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट हो, या हिंदी कॉरेस्पॉन्डिंग आप कितनी है दोनों में से हो एक, या तो इंग्लिश वाली कॉरेस्पॉन्डिंग 12,000 के डी पी एच आपकी द्वारा की डिप्रेशन पर आवर, 12,000 की डिप्रेशन पर आवर के हो, या आपका हिंदी वाला 9,000 हो के डी पी एच। ठीक है, तब आपका दोनों में से कोई एक है आपके पास तो चल जाएगा। ठीक है, चलो अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके तो 4 ही पोस्ट है, इसमें डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और नोट में लिखा है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, द डिप्लोमा मस्ट बी इशू बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑथराइज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, कि वो आपके राज्य सरकार से या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा आपका 1 ईयर का डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद से कैटरिंग असिस्टेंट वाले में, तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 3 साल का जो कैटरिंग में डिप्लोमा होता है वो है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त वो चलेगा, या आप 12th पास किए हो सीबीएसई से विद किसके साथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग, अगर आपका ये सब्जेक्ट रहा हो 12th के साथ साथ और 1 साल आपने किसी भी कैटरिंग में आपने सर्विस दिया हो तभी आप लिए जाओगे। और साथ ही साथ और भी है, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, आप 12th पास किए हो या उससे इक्विवेलेंट हो और 1 साल का डिप्लोमा हो कैटरिंग या इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन, ठीक है, या 3 साल का आपका किसी भी रेपुटेटेड में इंस्टीट्यूशन या होटल में आपका कैटरिंग का ऐसा एक्सपीरियंस हो तभी भी आपको लिया जाएगा। उसके बाद से हम जूनियर सेक्रेटरिएट की बात करें, जिसकी बात हम यहां पे करेंगे, और इसका बैच हमारे द्वारा परीक्षा प्लस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा पोस्टेस हैं और इसका जो सिलेबस है जनरली है, जो आप लोग तैयारी करते हो उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है, तो इसका बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। इससे अगर आपको जुड़ना हो तो आप लोग जो नीचे दिया गया नंबर है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप का जो लिंक लगा उसे डाउनलोड करिए, वहीं से बैचेस आप परचेस कर सकते हैं, आज ही से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। ठीक है, 18 से 27 साल आपका एज चाहिए यहाँ पे, एज लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं, आपका 12th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से आपका हो। ठीक, और मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपराइटिंग का या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपराइटिंग का आना चाहिए, बस की डिप्रेशन जो आपका मांगा है पर आवर वो आपका हो इतना, या तो हिंदी में आ रही है आपकी 25 वर्ड तो 9,000 की डिप्रेशन पर होना चाहिए, अगर नहीं ये फॉर इंग्लिश के लिए 9,000 है, और हिंदी वाला अगर आता है आपको टाइपिंग तो 7500 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, मतलब 10+2 होना चाहिए आपके पास सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से, विद किसके साथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास है ऐसा तभी भी आप माने जाओगे। ठीक है, तो ये तो टाइपिंग, तो आप लोग ऑलमोस्ट जितने लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे या आप लोग एसएससी सीएचएसएल देते आए हो या एएसआई देते आए हो तो वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो गए। एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, सेम मांगा है 25 और 30 की स्पीड मांगा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बस वही चीजें हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री अगर आपके पास है। ठीक है, 6 मंथ का अगर आप डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर से तो आपको प्रेफर किया जाएगा, मतलब जब आप सिलेक्शन के बाद जाएंगे, वही चीज है, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में तभी भी आपको क्या है कंसीडरेशन किया जाएगा। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है चीजें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, ये डिजायरेबल है, मतलब अधिमानी अहर्ता है एक तरह से। अच्छा, अब आते हैं हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एक और जो जेएनबी में कैडर में है
वो हेडक्वार्टर के लिए है जो कम पोस्ट है, और जेएनबी कैडर में जो है इसकी ज्यादा पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें भी सेम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, वही चीजें होनी चाहिए। इसकी पोस्ट ज्यादा 600 समथिंग पोस्ट है, तो इसकी तैयारी करना है तो फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर की बात कर लीजिए, इसकी भी 200 के अप्रॉक्स पोस्ट है, तो 10 पास होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट है अगर आपका इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बरिंग में, तो आप कर सकते हो। और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका किसमें, यह भी होना जरूरी है क्योंकि ये एसेंशियल में मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन वायरिंग या प्लम्बरिंग वर्क में, कहीं से सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, लैब अटेंडेंट की बात किया जाए तो इसमें 18 से 30 साल का एज मांगा है, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी या टेक्निक होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो ये होना चाहिए आपके पास, और 12 पास विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, या तो आपके पास 10th हो, ठीक है 10th हो और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक हो, या आप 12th हो किससे, साइंस स्ट्रीम से हो, तभी भी आपका चल जाएगा। किसके लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, तो ये भी वाला पोस्ट आप लोग भर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, ना ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेस हेल्पर इसकी भी ज्यादा पोस्ट है, लेकिन इसके लिए वैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो यहां पर मांगा है एसेंशियल में, 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहां देखो दूसरा जो कंडीशन लिखा है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंटियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट का जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं रेजिडेंट वाले, उनमें या किसी स्कूल में आपने 10 साल तक एज ए क्या मेस की बात किया ना, रसोईया के काम किए हो चाहे जो भी काम किए हो, तो वहां पे आपको प्रेफर मतलब एक तरह से जरूरी है 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनबीएस, ठीक है, और साथ ही साथ जो एनबीएस के स्किल टेस्ट है वो भी आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं इसका जो आपका, एक तरह से मैं बता दूं पूरा नोटिफिकेशन जो है अच्छे से पढ़ डालिएगा, 30 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन है ये, सबका अलग अलग हर एक पोस्ट का एग्जाम जो होगा आपका किस बेस पे होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। तो जो मेन है आपका, जिसके लिए आप लोग तैयारी सोच रहे हो, जो मैं सोचा हूं कि ऑलमोस्ट आप लोग कर सकते हो, पोस्ट भी अच्छी खासी है, ठीक है, फाइट भी अच्छी खासी होगी तो, और जॉब भी अच्छा है, और पे मैट्रिक्स भी अगर आप देख रहे हो तो अच्छी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं जो आपका उसका सिलेबस क्या है, जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट वाला कैडर है, वो चाहे हेडक्वार्टर कैडर हो या आपका नवोदय विद्यालय वाला हो, ठीक है, उन दोनों में सेम है आपका सिलेबस है। देखो, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, बाकी सभी के सिलेबस दिए हैं, आप लोग देख लेना। ये एक जनरल है जो हमेशा हर जगह पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मान के चलो 15 इसके 15 इसके, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। उसके बाद से लैंग्वेज में आ जाओ, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो ऐसा मत डरना कि नहीं हम इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश पूछ दिया तो कैसे होगा, 15 ही क्वेश्चन इंग्लिश पूछ रहा है आपका, 15 क्वेश्चन हिंदी भी पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की निवासी हो तो ये 15 क्वेश्चन तो आपके पास ही है, आपके 15 ही के लिए मेहनत करना, उसमें भी मैक्सिमम तो पैसे जी रहेगा, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का ये भी होगा। और बाकी आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ESI की तैयारी किए हो तो उसी लेवल से आपका कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा ही है, तो 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के कंप्यूटर के हैं। ठीक है, सेम चीजें आपकी यहां पर देखो जो नवोदय विद्यालय कैडर के लिए है, ठीक है, उसमें भी सेम है वही चीज, 20 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स, मैथ भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज में दोनों है इंग्लिश और हिंदी, हर से इच सब्जेक्ट से 15 आएगा। ठीक है, लिखा है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स इच सब्जेक्ट, मतलब 15 मार्क्स का इच होगा, मतलब 15 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट से होगा, तो 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है 4 पोस्ट है, अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा जो ये जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है, जितने भी आप ESI वाले हो, चाहे जो भी जिनके पास भी इसकी अहर्ता एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सभी फॉर्म फिल जरूर करिए, और तैयारी करना है तो परीक्षा प्लस टीम आपके साथ है। आप सभी लोग, कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया गया है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जो नीचे दिया गया नंबर है, यह नंबर नोट कर लें, 9450
6007 पे अपनी समस्या बता सकते हैं, 91 29 69 70 80। इन दोनों नंबर पे जो भी आपकी समस्या आ रही है इस बैच से रिलेटेड, चाहे आप क्वालिफिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो पूछ सकते हैं, उसमें पूरी टीम आपकी मदद करेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।